हाँ तो भाई लोग, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ग्रेडियंट फिनिश वाला रेडमी नोट 7 प्रो है। आज इसमें मैं बहुत सारी पुरानी और नई गेम्स खेलने वाला हूँ, तो बहुत ही एक्साइटेड ये टेस्ट होने वाला है। एक्चुअली अभी इसका 60% बैटरी लेवल है, 6:23 हो गए हैं। उससे पहले ना आपको एम्बियंट टेम्परेचर यहाँ का दिखा देता हूँ, ठीक है। 24 के अराउंड इसका एम्बियंट टेम्परेचर है एंड जो स्मार्टफोन का है वो 27 के अराउंड है। तो यार नॉर्मल सा ही है और फ्रंट भी 26 के अराउंड है, ठीक है। एंड गाइज, अब ना मैं इस रेडमी नोट 7 प्रो का इस वीडियो के लिए 4 GB रैम वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ। ये अनकिल्ड से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ये हमारी ट्रस्टेड गेम है, इसके ग्राफिक्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड अगर आप देख पाओ, वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आप फुल HD या HD में देखोगे तो आपको ये वीडियो 60 FPS में मिलेगी। तो आपको पूरी पूरी डिटेल मिलेगी कि इस वीडियो की, इस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों, ये आ गई है हमारी अनकिल्ड, और यहाँ से मेरे आने पे दरवाज़ा बंद हो गया। अब शगुन हो गया यार ये तो। चलो, ये टिंडे जैसे मुंह वाले आदमी को मारते हैं। एंड इसमें दोस्तों है स्नैपड्रैगन का 675, जो कि एड्रीनो के नए वाले 612 GPU के साथ आता है। बहुत अच्छा ये लग रहा है वैसे तो। ये क्या खड़ा है? और यहाँ से लोगों को मैं क्रिसमस वाले गिफ्ट दूंगा, तोहफे दूंगा बेसिकली, ये देखो। एंड वैसे देखा जाए ना दोस्तों, तो इस डिवाइस की आप देख ही सकते हैं कि स्क्रीन क्वालिटी कितनी अच्छी है। एंड जब भी मैं फायर कर रहा हूँ तो एक्चुअली ये डिवाइस जो है वाइब्रेट होता है, बट एक फ्रेम भी ये स्किप नहीं कर रहा। तो एक्चुअली में इसकी साउंड क्वालिटी भी ठीक है। एंड इसका जो क्या बोलते हैं, ये देखो, पहले इन्हें गिफ्ट दे दूँ फिर आपको बताता हूँ। डिस्प्ले क्वालिटी और साउंड क्वालिटी दोनों अच्छी हैं। ये टिंडे जैसे मुंह वाले मेरे को बात नहीं करने दे रहे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्शन है, फिर भी एक भी फ्रेम यहाँ पे स्किप नहीं हुआ है। एंड अभी बस आपके भाई ने सभी को लुड़का ही दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ये देखो। एंड यहाँ पे गाइस कहना पड़ेगा कि अनकिल्ड में इसकी परफॉर्मेंस आपने देखा काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आ गया खेल के। एंड अभी हम अगली गेम में मूव करते हैं, और ये है गाइस नई गेम लेजेंड्स। आप देख सकते हैं एक्चुअली में इसके ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने थोड़ी सी पहले खेली थी, मज़ेदार गेम है, आपको खेल के दिखाता हूँ। बट आप देख रहे होंगे कि गेमिंग के लिए ना इसका जो ऑडियो है वो मेरे हिसाब से सफिशियंट है। यहाँ पर ग्राफिक्स देखना। एंड अभी यहाँ पर जाके बंदों को लुड़काना है, बस ये देखो आ गया एक, हल्का सा फ्रेम ड्रॉप किया था। एक्चुअली इसके ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं। एंड सारा का सारा आपके सामने आप देख सकते हैं हमने तोड़ दिया। एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है एक नंबर है, ये देखो, वाह। यहाँ पे आप देखो ना, इतने ज़्यादा एक्शन के बाद भी ये डिवाइस बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा है। वाह क्या ग्राफिक्स है वैसे। कोशिश कर रहे हैं हम और हमारी टीम इसे मारने की। एंड इसके पटाखा पड़ने ही वाला मेरे हिसाब से। एंड इसका काम तमाम हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मिशन तो जो है सक्सेस हो गया है, बट अभी 8 मिनट के बाद मेरे को बैक में थोड़ी हीटिंग फील हो रही है। तो यहाँ पे इसका 39 के आसपास टेम्परेचर आ गया, जो कि मैं बोलूँगा नॉर्मल है। बट हाँ, गेम काफ़ी हैवी थी, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। एंड अभी हम अगली गेम पे चलते हैं जिसका नाम है मॉडर्न कॉम्बैट 5। तो ये है दोस्तों मॉडर्न कॉम्बैट 5, काफ़ी ये ग्राफिक इंटेंसिव गेम है। यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो स्टार्टिंग में मैंने एक लेवल इसका पहले भी खेला था, बहुत ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले है इसका। एंड ये बात इसकी मुझे सबसे अच्छी लगती है, आप देखो ना इसके करेक्टर मूवमेंट है, जो इसके फ्रेम रेट्स है एक नंबर है। ये देखो आगे आ गया, अभी इनका प्रिंसिपल आ गया होगा, ये देखो, इसे भी उड़ा देना है। ये मेरे साथी को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे गोली मारेंगे, ये बड़े गंदे आदमी हैं। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर दो बंदे आ गए, मेरा वेट और कर रहे हैं, उन्हें भी लुड़का देते हैं। बट कहना पड़ेगा यार, ये 675 बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो एक्चुअली में मैं सीधा बोलूँगा कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, कि लैग वगैरह तो आपको दूर की बात आपके सामने ही है, कि इसकी रॉ पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड मिड रेंज डिवाइस ये कहीं से भी नहीं लग रहा मेरे को, तो यहाँ पर कमाल ही हो गया। तो देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हाई ग्राफिक्स है, फिर भी ये स्मार्टफोन कितने अच्छे से हैंडल कर रहा है। मेरे को यहाँ पर कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं दिखा, कोई चौपीनेस नहीं दिखी, बहुत ही अच्छा स्मूथ गेम प्ले है, मज़ा आ रहा है खेलने में, मेरा मतलब ये है।
एंड गाइज मॉडर्न कॉम्बैट 5 ख़त्म होने वाली है, यहाँ पे भी इस डिवाइस ने ना तबाही मचा दी है, मज़ा ही आ गया ये देखो। और ये भी राउंड ख़त्म, अभी नेक्स्ट गेम में मूव करते हैं। गाइज अभी हम खेल रहे हैं नीड फॉर स्पीड, यहाँ पर देखते हैं कि कितना मज़ा आता है। एक्चुअली में ये गेम भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कंट्रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ग्राफिक्स इसके भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये गेम भी आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट की थी कि साई भाई ये गेम खेल के भी दिखाओ। सच बताऊँ आपको, हंसोगे तो नहीं मेरे पे, मेरे को इसका नाइट्रो चलाना नहीं आता, बट हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा है गेम खेलने में। हम हैंडलिंग से जीत जाएंगे, हर बार आगे नहीं आना होता। बट हाँ यार, उतने टाइम में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये लेवल शायद ख़त्म हो गया। और डिस्प्ले क्वालिटी एक नंबर थी इसकी, साउंड में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट गेम में मूव करते हैं। गाइज अभी हम खेल रहे हैं फ्री फायर। आपको सही बताता हूँ, ये गेम ना पबजी की, जैसे पबजी को पोलियो हो गया होता वैसी है। हाँ ठीक है, गेम इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बट मैं इसे पूरा नहीं खेलूँगा, आपको 2-3 मिनट खेल के दिखा दूँगा कि इसका गेम प्ले कैसा है। ओवरऑल तो अभी तक तो ठीक लग रहा है, देखते हैं। इस डिवाइस को हीट तो नहीं करती, मैंने पहले ये ट्राई की थी ये गेम। एंड करेक्टर मोमेंट आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ है, कोई इशू नहीं है। पता नहीं ना, थोड़ी सी इमर्सिव नहीं लग रही, पबजी काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव है। हिसाब किताब वैसा ही है, इसमें 50 बंदे अलाइव हैं, मेरे को लगा था पता नहीं क्या रॉकेट साइंस होगी, बट इसके थोड़े ग्राफिक्स पॉलिश्ड हैं, बट इमर्सिव बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मैप इधर वाली साइड आता है, ठीक है। एंड ये इसका जहाज़ है, आपको थोड़ा बहुत खेल के दिखाऊंगा, बहुत तो नहीं करके दिखा सकता, बट हाँ आपको डेफिनेटली आइडिया यहाँ पर दिखा दूंगा कि ये कैसा है। एंड ये देख लो, ये तो ना कमलों वाली बात है कि ये स्केटबोर्ड से नीचे उधर है आदमी, ये क्या हुआ, मतलब ये किसी किस लेवल की बकचोदी है, मेरे को समझ नहीं आ रही। आपको समझ आ रही है तो बताओ, ये मेरे को तो स्केटबोर्ड ही लग रहा है, मेरा मजाक उड़ा लो। कोई नया गैजेट होगा तो भाई लोग मेरे को पता नहीं, बट हाँ नीचे उतर के गन वगैरह लेने की कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हेलमेट आ जाएगा, वाह क्या बात है। और इसकी ये है मेडिकिट, ठीक है, और पबजी इंस्पायर डेफिनेटली ये लग रही है हर एक एंगल से। ये स्कारल लग रही है मेरे को, अगर मैं पबजी खेलता हूँ ना वैसे ऐसी गन, ये वो आ गया, आ जाओ इसको गिफ्ट दे। चलो भाई मर जा, एक मिनट, इसका वो कहाँ है, मारना कहाँ से है उसके, मार दे, एक मिनट, मार दिया, अब भागा ये, वो देखो, वाह अब भाग, अब ले पंगा, ये देखो, ओके मेरी गोलियां ख़त्म हो गई, तेरे को पाप लगेगा, गोलियां, अगर गोलियां ना ख़त्म होती तो आज इसका काम तमाम मैंने कर ही देना था। एंड कोई दिक्कत आ नहीं रही इस गेम में, तो हम नेक्स्ट गेम में मेरे हिसाब से अभी मूव कर सकते हैं। एंड गाइज अब हम खेल रहे हैं एस्फाल्ट का ये टोक्यो लेवल। एक्चुअली में ये टोक्यो लेवल में हल्के से फ्रेम ड्रॉप्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, बट ये टोक्यो लेवल के ग्राफिक्स इतने ज़्यादा बेहतरीन हैं कि यहाँ पर ना ज़्यादातर डिवाइसेस में मेरे को फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं, अगर 720 या फुल HD में देख रहे हैं। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इस गेम में इस बार पहले नंबर पर आने की, क्योंकि पिछली बार मैं लास्ट आया था इसमें। एंड कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और सवेर के बाद सीधा शाम नहीं होती। ये क्यों नहीं होती, क्योंकि बीच में दोपहर होती है, यार क्या बात है। नहीं यार, एक बात तो यहाँ पे कहनी पड़ेगी कि डिस्प्ले और साउंड तो अच्छा है, बट ये गेम इस डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं है, क्योंकि मैं इसमें एक दो फ्रेम ड्रॉप नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप देख रहा हूँ। स्नैपड्रैगन 660 वाला इसका जो छोटा भाई है रेडमी नोट 7, वो एक्चुअली में इससे थोड़ा बेहतर था इस एस्फाल्ट 8 में, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशंस का थोड़ा सा इशू है। एंड गाइज आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये ना लेवल ख़त्म होने वाला है, तो मेरे जो आपको आगे बताया है कि इसका साउंड और डिस्प्ले बहुत अच्छा है, बट ये चिपसेट अभी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है एस्फाल्ट 8 के लिए, यानी कि गेम ऑप्टिमाइज नहीं की गई, क्योंकि पावर बहुत है इसमें, नो डाउट उसमें है ना, बट आप देख सकते हैं कि थोड़े से फ्रेम ड्रॉप ना कंसिस्टेंटली मेरे को देखने को मिल रहे हैं, जो सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस इससे मिलनी चाहिए जैसे दूसरी गेम्स में मैंने देखी है, वो हल्की सी लैकिंग लगी है, बट ओवरऑल कमाल का रिस्पॉन्स है। एंड हीटिंग किसी भी तरह की बिल्कुल भी नहीं हुई है। एंड गाइज अगर देखा जाए ना, तो अभी जो इसका टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं कि 36-37 के आसपास है, जो कि काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर है।
एंड फ्रंट की साइड भी इसका 36 के आसपास ही है टेम्परेचर। तो अभी हम जल्दी से नेक्स्ट गेम में मूव करते हैं गाइस। यह है हमारी सबकी फेवरेट पबजी और मैंने इसे HD हाई में रखा है। HDR अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। चलिए फिर एक राउंड खेलते हैं इसका। एंड इनिशियली मैंने इसमें ना एक राउंड ऑलरेडी खेला था पबजी का। एंड अगर आप देखो ना यहाँ पे भी क्या स्मूथनेस है, HD हाई में चल रहा है बट एक भी फ्रेम ये ड्रॉप नहीं कर रहा। जो ओड्रीनो का 612 GPU है वो एक नंबर है। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं इसके। वैसे मैं आपको इसके गेम प्ले में भी दिखाऊंगा, मज़ा आ रहा भाई खेलने में। एंड ये हमें आते ही फ्री किल मिल गया, ठीक है चलो थैंक यू जिसने भी मारा था। एक ये है देखना, चलो चलो एक एक और किल मिल जाएगा। चलो थैंक यू, बड़ी सही लोकेशन पर आया हूँ मैं। वाह एक मिनट भाई तू कहाँ मारेगा, चल चल घर चल, ऐसे नहीं करते, गंदी बात गंदी बात। और मेरे पास गोलियाँ ख़त्म, अगर किसी ने मारा तो पाप लगेगा, वही बात हुई। मैंने और भी डिवाइस देखे हैं, ये देखो देख कितना सयाना बनता है, कितना शाना बनता है। ऐसे लोग जो ज़्यादा सयाने बनते हैं ना उन्हें गोलियों से मारता हूँ मैं, दूसरों को भी गोलियों से ही मारना होता है। बट अभी ना मेरे को इसकी बैक में मेरे को डेफिनेटली काफ़ी वार्मनेस फील होने लगी है गाइस। ये बेचारा कोई मेरे जैसा ही है जिसे ज़्यादा गेम खेलनी नहीं आती, ठीक है ना। हुआ क्या है कि इसे तो मैंने नॉकआउट कर दिया, आगे भी मेरे को शायद एक किल मिल जाएगा। वो कहाँ गया, एक और नॉक। वाह मेरा किल चुराता है अब। अच्छा मेरे को ही मिला है, मेरे को ही मिला, देख बुरे काम का बुरा नतीजा, ये ले खा गोली, अच्छे से खाना लून मिर्च लगा के। कितना ओके मेरे पे गोलियां चला रहा है ये देखो। वाह आजा आजा, आप देख सकते हो दोस्तों कि कितने स्मूथली मैं इसमें गेम प्ले कर रहा हूँ। अब बताता हूँ तेरे को, एक मिनट रुक जा मेरी रिलोड होने दे, चल घर को जा घर को। गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें गेमिंग खेलने का। आपने मेरे पबजी के रिव्यूज़ देखे ही हैं बट वार्मनेस डेफिनेटली है इसके बैक में, पर मज़ा आ रहा है अलग लेवल का। एक और किल आपके भाई का, एंड मज़ा आ गया यार। मैं यही बोलूँगा कि इस बजट में मैंने इससे अच्छा तो, वाह ये टट्टी करने बैठा था क्या कर रहा था ये। ओ यार इसने मेरे को मार दिया, दो किल थे, ऊपर से मैं गिरा, वो क्या कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, मज़ा आ गया। वैसे तो बचा सकता तो कोई बचा ले मेरे भाई, गरीब की हेल्प कर दे, भगवान तुझे बच्चा देगा। एंड अब बच्चा भगवान से लेना, मैंने थोड़ी देना है। मुकर जाओ मुकर जाओ। एंड जैसे जैसे देख सकते हैं कि विनर विनर चिकन डिनर हो गया। आपका भाई है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 10 किल्स के साथ, बट डैमेज वगैरह जो देखना देख लो। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए इसका टेम्परेचर तो 40.7, डेफिनेटली ये वॉर्म मेरे को लग रहा था बैक पे, काफ़ी वॉर्म था। एंड 40.8 इसलिए मैं अच्छे से स्कैन कर रहा हूँ तो 40.8 वॉर्म हो जाता है ये स्मार्टफोन। एंड फ्रंट पे भी आप 41 का टेम्परेचर लगा लो तो ओवरहीट का इशू नहीं, बट ये वॉर्म डेफिनेटली होता है। गाइज अब हम हर बार की तरह इस गेमिंग रिव्यू को एंड करेंगे GTA San Andreas के साथ। एंड ये भी गेम अच्छी चल रही है। तो गाइज अगर मैं इसकी डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा डिस्प्ले एक नंबर कमाल का, साउंड इसका काफ़ी अच्छा है, लाउडनेस ठीक है, थोड़ी सी डेप्थ होती तो और मज़ा आ जाता, वाइब्रेशन मोटर इसकी काफ़ी अच्छी है। गेमिंग की बात करूँ ना तो स्नैपड्रैगन 675 ने 4GB रैम वेरियंट में लिटरली कमाल ही कर दिया है। मैं बोलूँगा ये डिवाइस वॉर्म डेफिनेटली होता है, बट यार ये डिवाइस सच में वर्थ इट है इसका। जो स्नैपड्रैगन का 675 है वाकई में मज़ेदार प्रोसेसर है। एंड एस्फाल्ट 8 मेरे हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन का इशू था, अदरवाइज़ ये डिवाइस ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया, मैं सच में बहुत इंप्रेस हो गया हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा इस गेमिंग रिव्यू में केवल इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आपको
तो दोस्तों मैं ये बोलूँगा फिलहाल के लिए गेमिंग इस गेमिंग रिव्यू में केवल इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर देना, अगर आपको गेम्स अच्छी लगी तो भी बता देना। अगर आपका कमेंट क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। इस वाले वीडियो में केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों बंद करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि 43% इसका बैटरी लेवल है, 7:04 हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ये डिवाइस को स्ट्रेस कर दिया था मैंने।